तो हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल आरोमा ऑफ फूड। तो दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत होंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम बनाते हैं गाजर और चुकंदर का जूस, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो हम लिए हैं देखो, एक चुकंदर यानी बीट रूट, और लिए हैं पालक के पत्ते 2-3, और गाजर 5-6 ली हूँ, और ली हूँ नींबू और अदरक। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से धो के साफ करके रखी हूँ। अब हम ले रहे हैं एक मिक्सी का जार, इसी में जूस को हम बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को साइड में रख दे रही हूँ, और सबसे पहले हम गाजर को काटेंगे। तो गाजर को कुछ इस तरह काटना है, छोटे छोटे पीसों में काटना, यानी टुकड़ों में काटना। दो छोटे छोटे टुकड़ों में सारी गाजर को हम इसी तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखूँगी। और इसको पीने से ना जूस को आपके इम्यून सिस्टम यानी ताकत आएगी, और खून की कमी भी दूर हो जाएगी, और मोटापे भी हमें अच्छा होगा, क्योंकि मोटापा आपको नहीं आएगा। और देखो, अब इसमें हम पालक भी डाल दें, पालक भी हमारी आयरन बढ़ाती है, आयरन को। तभी तो पालक और गाजर और चुकंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो आप इसको आप ज़रूर घर पर बना कर ट्राई कीजिएगा, और बहुत ही बेहतरीन लगता है पीने में भी, और बनाने में भी बहुत आसान है। तो देखो, अदरक को भी छील कर इसको भी छील के काट के डाल देना छोटे छोटे टुकड़ों में। अब ये चुकंदर का हम छिलका उतार लूँगे। और दोस्तों, वीडियो हमारी पसंद आए तो वीडियो को हमारी लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़, और बेल आइकन दबाना मत भूलना, उसको ज़रूर दबा देना। और अगर वीडियो पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि हमें पता चले कि हाँ, आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो देखो, अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के मिक्सी के जार में हम डाल दे रहे हैं। और जितना हमें ज़रूरत होगी उतना काटेंगे, सारे चुकंदर को हम नहीं काट के डालेंगे। देखो, इतना हम काट ली हूँ। अब इसको काट के हम पीसूँगी, बस थोड़ा सा पानी डालूँगी, बस इसमें ज़्यादा नहीं डालूँगी। इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में, और इसको हम पीस लेते हैं। देखो, थोड़ा सा बस आधा गिलास पानी इसमें हम डाली हूँ, और डाल कर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं, यानी पीस लेते हैं। बहुत ही अच्छा होता है पीने में भी। देखो, पीस के इसको हम रख दी हूँ, यानी हमारा ये गाजर वगैरह पीस गई सारी चीज़ें। अब इसको हम एक ले लें भगोना, या आप कोई बाउल ले सकते हैं, या जग वग ले सकते हैं कोई। तो उसमें हम रखेंगे एक छन्नी, अगर आपके पास ये छन्नी ना हो तो आप कोई दुपट्टा, हल्का कपड़ा हो, यानी दुपट्टा हो या कोई कपड़ा हो, तो उसमें आप छान सकते हैं इसको। बस इसको छानना ही है बस, और कुछ नहीं करना। तो सारा इसमें हम निकाल दे रहे हैं छन्नी के ऊपर, इसको ऐसे दबा दबा के इसे चम्मच से छानेंगे। देखो, नीचे गिर गया ना इसे, एकदम बिल्कुल लाल लाल निकला हुआ, जैसे लगता खून ही है ये कहीं गिर जाए तो लगता खून है। तो देखो, शायद इतना जूस हमारा इसमें निकल गया। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी निकाल लेते हैं। तब इसमें हम डाल दें नींबू का रस, एक चम्मच डाल दे रहे हैं, बस ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस आधा है ना नींबू, इसमें निचोड़ दें थोड़ा सा। गिलास, 2 गिलास के अंदर हम काला नमक डाल दे रहे हैं, आधा चम्मच। और इसमें चीनी उनी नहीं डलती, हम चीनी उनी इसमें नहीं डाल रहे हैं, बस ऐसे इसको पीना है। अब देखो, सारा जूस हम इस पर गिलास के अंदर डाल दे रहे हैं। देखो, लग रहा देख रहे हैं बहुत बेहतरीन माशाल्लाह, बहुत अच्छा लग रहा देख रहे हैं, और पीने में भी बहुत मस्त लगेगा अगर आप इसको बना के पियोगे तो। तो पास से भी दिखा रहे कितना बेहतरीन है। तो चलिए देखिए कितना मस्त लग रहा है ना, देखने में बहुत अच्छा, और पीने में भी बहुत मज़ा आता है इसको। सर्दियों में आप इसको ज़रूर बना के पीजिए, और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है, आपकी कमज़ोरी को तो दूर करेगा ही, आपके दिमाग को भी तेज़ रखेगा ये, और बहुत ही मस्त लगता है पीने में भी। तो हमें तो भाई ये बहुत पसंद आता है, ये जूस पीने में भी और बनाने में भी। तो देखो, साहिल पी के बताता कैसे लग रहा है जूस। तो पी के बताओ साहिल, कैसे लग रहा है जूस? बढ़िया, तेज से बोलते तेज नहीं बोलते अच्छा, बढ़िया भैया, बढ़िया 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 कर रहे, तेज नहीं बोलते, धीमे बोलते हैं, बहुत कमी बोलना चाहते हैं, बोलते नहीं तेज। चलो गाइस, बस एक वीडियो करते हैं, एंड आप भी बनाइए इसको, एंजॉय कीजिए, और सेहत के लिए भी मस्त है। ठीक है भाई, तो बनाइए और पीजिए और एंजॉय कीजिए इसको। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।